नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप ये सोयाबीन का खेत देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे कपेली के एक उन्नतिशील किसान हैं भैया दिलीप जी पाटीदार। तो उनका ये खेत है। एक्चुअली जो ये फसल दिख रही है आज की तारीख में कपेली के अंदर, लोगों की अभी कल या परसों में बोनी हुई है, लेकिन इनकी फसल आप जैसे देख सकते हैं ये काफ़ी मस्त दिख रही है। तो हम भैया दिलीप जी से जानते हैं कि ये इन्होंने कब लगाई थी और ये अपने सोयाबीन की जो फसल है वो किस तरह से करते हैं। नमस्कार दिलीप जी। नमस्कार। ये जो सोयाबीन की फसल है यहाँ पे दिख रही है, तो आपने ये फसल कब लगाई है? ये अपनी 15 जून की है सर। 15 जून को लगाई है आपने? 15 जून की लगाई है और इसको लगभग ये हो गई है आज 14 दिन के आसपास की हो चुकी है। 14 दिन की फसल हो चुकी है आपकी ये? अच्छा 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 दिलीप जी, ये बताइए कि ये जो फसल है आपकी सोयाबीन की, ये वेरायटी कौन सी है? ये 95-60 है। 95-60 वेरायटी है। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए आप सोयाबीन की फसल के बारे में कि आप किस तरह से इसको करते हैं, किस तरह से लेते हैं। ये एक्चुअली क्या है, इसमें करने का तरीका तो क्या है कि हम जो ये मतलब जो वेराइटी है ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। अच्छा, ज़्यादा बारिश में, पिछले वर्ष जो ज़्यादा बारिश हुई तो इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसने, मतलब अच्छा 4 से 5 के आसपास। अच्छा तो मतलब अच्छा ये वेराइटी अपने यहाँ पूर्ण सक्सेसफुल है। अच्छा, वेराइटी तो बहुत सारी। हाँ, 95-60 सक्सेसफुल है और यही लगाता हूँ मैं तो। अच्छा, बढ़िया परफॉर्मेंस है। अच्छा। अब जैसा कि हम अगर फर्टिलाइजर की बात करें, तो आपने फसल में जब बोनी की थी उस टाइम पे इसमें कुछ फर्टिलाइजर वगैरह भी दिया है? इसमें जैसे आलू प्याज के जो खेत होते हैं इनमें तो हम फर्टिलाइजर डालते कुछ भी नहीं डालते हैं, मतलब। अच्छा, हाँ, उसमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसमें रहता है और वो कर लेता है वो तो। अच्छा, मतलब आपने इसमें कोई फर्टिलाइजर अभी तक यूज फर्टिलाइजर नहीं की किया है? आवश्यकता ही नहीं। गेहूँ है या चने के कुछ खेत है उनमें हम दे देते हैं 20 से 25 किलो आसपास नाइट्रोजन और अपना DAP मिला के अच्छा उसमें ही अच्छा देना पड़ता है, बाकी इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा इसमें नहीं देते आप? नहीं। अब जैसा कि मैं यहाँ खेत में देख पा रहा हूँ कि इसमें थोड़ा खरपतवार भी दिख रहा है अपने को, तो उसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे आप? खरपतवार के लिए अभी तो मेरा, जैसे मैं तो 2 साल से ये कर रहा हूँ कि इसमें डोरे 2 बार मतलब बेल से चलवा देंगे अच्छा और इसके अच्छा बाद निंदाई गुड़ाई करवा के, ज़्यादा अच्छा अच्छा इसमें खरपतवार नहीं है। अच्छा ये तो अच्छा थोड़ा सा क्या है कि, और नहीं लगा तो फिर परसूट का भी इस्तेमाल करना करना पड़ता है, पड़ेगा। पर वो कोशिश ये करें कि उससे दूर रहें खरपतवार मतलब से। आप ये कोशिश करते हैं कि जी रसायनों से फसल को दूर हाँ रखें दूर रखें, और और खरपतवार नाशक का कम से जी कम उपयोग बिल्कुल करें। बिल्कुल चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा दिलीप जी, ये बताइए, जी जैसे मान लीजिए आपने ये आज से 15 दिन पहले की फसल है आपकी, ये हाँ 14-15 दिन पहले की फसल है, जी तो उस दौरान आपने इसमें फसल लगा दी थी जब गांव में किसी ने फसल बोई नहीं थी, और ये फसल जो है सबसे पहले आपने लगे लगभग ये, क्योंकि हाँ गांव में बिल्कुल सब लोग अभी बोनी कर रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा संकोच नहीं था कि जर्मिनेशन कैसे होगा इसका, या बारिश कम होगी तो क्या होगा, मतलब? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। बाकी एक्चुअली हुआ क्या है कि मैंने पहले तो जर्मी अपने बीज सीड ट्रीटेड किया था अपने झेलोरा से, अच्छा मतलब मैं 100% तो वहाँ से अपने को कंट्रोलिंग था कि उससे बीज जर्मिनेशन पूरा हो जाता है 100%, और जिसके बाद कुछ दाने इसमें रह गए थे। ये अच्छा पूरी जो अभी देख रहे हो ना, हाँ इसमें कुछ दाने जो ऊपर गिरे थे हाँ वो सूखी जगह में पड़े थे, तो वो ऐसे कैसे थे, जब बारिश हुई इसके साथ में वो कवर हो गए। अच्छा इसके अच्छा जो बाद कारण में बारिश हुई उसमें वो दाने भी हाँ उगाए? 4 दिन बाद में जैसे बारिश हुई ना, तो ये हाँ हाँ 4 दिन आगे पीछे जरूर थे, बाकी ये कवर हो जाती है इस फसल में। अच्छा अच्छा हाँ, नुकसान नहीं होता है। तो उससे कोई नुकसान नहीं होता? नहीं हुआ है। अपने एक दो किसान ने लगाई थी अपन ने, जैसे यहाँ पे हम्म, एक जो धीरज पाटीदार जी है और हमने एक दो ने लगा दी थी मतलब, अच्छा अच्छा और हमारे परिवार में तो अच्छा मतलब हो गया। वो सिर्फ ज्यादा लोग ने इसलिए नहीं लगाई थी कि कुछ नुकसान के कारण भी, और ऐसे थोड़ा, और हमने हाँ उसमें थोड़ा रिस्क रहता है कि हाँ पानी वही अगर बात नहीं गिरा तो क्या तो, और होगा। हमने सोचा कि होगा तो फिर दोबारा करेंगे, बाकी हिम्मत चला ली, और उधर बारिश का भी कवर। अच्छा, जी अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो आपने अगाती फसल ली है थोड़ी सी, हाँ जी तो इसका क्या बेनिफिट मिलता है आपको नेक्स्ट हाँ फसल में सही। कुछ? उसमें क्या है कि हमारा प्लानिंग है कि अपने खाली प्लाट छोड़ रखा है जिसमें अपन प्याज का रोप की तैयारी कर लेंगे, हाँ तो हाँ ताकि जल्दी उधर अपना नासिक प्याज लग जाएगा अगेती फसल, अच्छा तो अच्छा उसका कुछ फायदा अच्छा मिल उसका फायदा जाता है मिल इसमें, सकता है इसमें। और इधर पानी का भी कंट्रोलिंग अपना जो आगे की फसल में एडजस्टमेंट हो जाता है, इसलिए अच्छा थोड़ा सा अगर पानी कम हो तो भी जल्दी फसल आ हाँ जाती है ये तो उसको अपने आप को कर कवर सकते कर हैं। लेती है ना उधर, भाई 20-25 दिन जल्दी हो जाता है उसमें, अच्छा ये अच्छा फायदा मिलता है उसमें। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा दिलीप जी, ये बताइए कि मान लिया जाए सोयाबीन की फसल है, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इसमें कितना उत्पादन हो सकता है, बीघे के हिसाब से बताइए कितना उत्पादन ले सकते एक हैं? बीघे में एक जो अच्छी फसल हो, पिछले वर्ष जैसे अधिक वर्षा हुई ना इसके बाद भी, मतलब यहाँ का एवरेज आया था अपने को, ये दोनों खेत को मिला के 6 बीघे जमीन है, इसमें से 30 बोरे कंप्लीट निकले थे।
5 की बैठक कंप्लीट आ जाती है यहाँ पर। नीचे के जो खेत है ना अपने सारे, अच्छा, और कुछ खेतों में 3 की बैठक, कुछ में एक आध खेत है जो ज्यादा बारिश उसमें भरा रहता है पानी, उसमें 2-2.5 के आसपास, तो एवरेज करके 4.75-4.5 का आ जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये इतना 2-3 साल का एवरेज, मतलब 1 बीघे में 4 से 4.5 क्विंटल तक 4 क्विंटल का एवरेज उत्पादन आ जाता है, उत्पादन एवरेज। ठीक है दिलीप जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।